All right, let's get into today's session. Webathon season 9 के अंदर we are talking about a very important subject जिसको हम कहते हैं Vibrant Viva की तरफ से golden 18 golden steps, the 18 golden steps of Vibrant Viva, जिसे follow करते हुए हम एक शानदार टीम अपने लिए, अपनी टीम के लिए एक शानदार सिस्टमैटिक बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं. एंड हमारे साथ ऑलरेडी वी हैव मोर देन 500 प्लस पीपल, और भी लोग आ रहे हैं. तो अगर आपकी टीम से अभी भी लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जल्दी से उनको आप एक स्क्रीनशॉट लेकर बता दीजिए इस मीटिंग में शामिल रहने के लिए, क्योंकि वो यहां पर सीख सकते हैं वो चीज जिसे अपना कर वो बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन, शानदार बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं. चलिए, मैं कुछ लोगों से मिलता हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो लोगों से मिलना ही हमारा काम होता है. और हर व्यक्ति को मैं जब मैं मिलता हूं तो मुझे लगता है कि एवरी पर्सन इज देयर टू टीच यू समथिंग. अगर आप सीखने की मन रखते हैं तो उन हर वो हर इंसान जिसे आप मिलते हैं उनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. कोई कोई कहते हैं कि सर आप सक्सेसफुल लोगों से तो ये सीख सकते हैं कि कैसे सक्सेसफुल बनना, और असफल यानी अनसक्सेसफुल पीपल उन लोगों से क्या सीखोगे. तो मैं कहता हूं उन लोगों से सीखता हूं असफल कैसे ना बनना, यानी उनसे भी हम सीख सकते हैं. तो यू कैन कीप लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ. और इस वेबिथॉन के अंदर एस्पेशली मैं आज यहां पर ये बात रखना चाहूंगा कि मैं जब लोगों से मिलता हूं, लोग सुपर सक्सेसफुल हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, काफी उनको अलग अलग स्किल सेट है और वो बहुत कुछ जानते हैं, काफी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई भी किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते. कभी कभी मैंने देखा कि लोग बाहर की दुनिया में एक्सेलेंट पब्लिक स्पीकर्स भी रहते हैं, अब वो पब्लिक स्पीकिंग के बैकग्राउंड से आकर भी लोग यहां पर सक्सेसफुल नहीं बन पाते. इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ लोगों कोई कोई ये सोचते हैं कि अगर हमें एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल रहा वो काफी है सक्सेसफुल बनने के लिए. राइट दोस्तों, इस कंपनी के अंदर हमें स्पीकर्स की जरूरत नहीं है बल्कि हमें अचीवर्स की जरूरत है. याद रखिए, दुनिया स्पीकर्स को तारीफ मतलब तालियां तो बजाते हैं, जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनको तालियां तो बजाते हैं, लेकिन जो अचीवर्स हैं उनके सामने सर झुकते हैं और उनको रेस्पेक्ट देते हैं. तो हमें इस इंडस्ट्री के अंदर स्पीकर या ट्रेनर नहीं बनना है, हमें बनना है अचीवर. क्योंकि जब आप अचीवर बनोगे, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करोगे वो एक मैसेज होगा, आपका संदेश होगा. दोस्तों, इसलिए लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते अच्छे स्पीकर्स या गुड कम्युनिकेशन स्किल ये सब रहते हुए भी, क्योंकि मैंने देखा उनका जो ताकत है वो उनका सबसे बड़ी कमजोरी में कन्वर्ट हो जाती है. मैं मेरे टीम के अंदर बेस्ट प्रेजेंटर हूं, मैं शानदार प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, क्लोजिंग्स कर सकता हूं, ये बढ़िया है, लेकिन यहां पर आप अपने इंडिविजुअल टैलेंट की प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं. आप यहां पर मौजूद हैं सिस्टम के अंदर एक फंटास्टिक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और बिजनेस को टैलेंट पर नहीं दोस्तों, सिस्टम पर खड़ा किया जा सकता है. और आपको सीखना होगा, इफ यू आर एन एक्सलेंट स्पीकर फंटास्टिक, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, उस स्किल को अपने पास रखिए, काम आएगा वो, जरूर काम आएगा. लेकिन उस पर अगर आप उस टैलेंट पर अगर आप बिजनेस को बिल्ड करने की प्रयास करेंगे तो आप असफल हो सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. चलिए, उन सभी तमाम लोगों के लिए मैं आज यहां पर फिर से वेबिथॉन सीजन 9 के अंदर पिछले 5 हफ्तों के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया है उसका एक बार जस्ट रिमाइंड करना चाहूंगा, ताकि हम लोग आगे के स्टेप की ओर चल सकते हैं. चलिए, लेट्स गो इनटू दैट. लेकिन उसके अंदर जाने से पहले आप लोगों की एनर्जी एक बार चेक करना चाहूंगा, तो आप लोगों को एक बार 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए अनम्यूट किया जाएगा. आप लोग एनर्जेटिकली कह सकते हैं गुड मॉर्निंग इंडस वीवा. सो इसके साथ हम लोग कर सकते हैं शुरुआत. राइट, 1 2 3
So much all of you, that was a lovely good morning wishes from all of you. That was your 10 seconds. चलिए, we have very less time to cover today's subject. तो इसलिए मैं directly आपको लेकर जाऊंगा इस week के session के अंदर. Yes, chat box के अंदर there is a lot of message pouring in like rain. Messages की बारिश हो रही है यहां पर, लेकिन मैं वो हर एक message को अभी पढ़ नहीं रहा हूं. हाँ, जरूर उसको सेव करके चैट में जो भी आप डालते हैं उसको हमेशा मीटिंग के बाद मैं चेक कर लेता हूं. लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार भरा गुड मॉर्निंग कहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. आपकी गुड मॉर्निंग विशेस आपकी एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स की संकेत है, तो इट इंडिकेट्स योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस. सो थैंक यू सो मच. आपके मैसेजेस इसी प्रकार बरकरार रखिएगा. और चलिए हम चलेंगे द 18 गोल्डन स्टेप्स की रीकैप के अंदर, और फिर इस वीक के गोल्डन स्टेप के अंदर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा. सो हियर वी गो. क्या आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पीपीटी देख पा रहे हैं? हरिप्रसाद जी, यू कैन गिव मी अ थम्स अप. यस यस, डन डन. फैंटास्टिक, ठीक है. सो लेट्स गेट इन. वी हैव 600 ऑलमोस्ट क्लोज टू 600 पीपल. सो वीक नंबर 1 वी हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेप इन 18 गोल्डन स्टेप्स. बी अ रेगुलर यूजर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, इसके बारे में काफी चर्चे किया है. सेकंड स्टेप, फिर से आपको रिमाइंड करने के लिए, क्रिएट योर ओन टेस्टिमोनी बैंक, इस पर भी काफी चर्चा हम लोगों ने किया है, राइट. एंड थर्ड स्टेप इज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग टेस्टिंग पार्टी. एंड फोर्थ स्टेप, जिसके बारे में आई थिंक वी स्पोक वेरी रिसेंटली, दैट इज अबाउट बीइंग अ टेक सेवी. ये कहने के बाद काफी सारे लोगों ने अपने आप को डिजिटल अपग्रेड किया है. मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपना लैपटॉप को रेडी कर लिया वाईफाई कनेक्शन के साथ. इस मीटिंग में बहुत ही प्रोफेशनली बैकग्राउंड लगाकर जो लोग अटेंड कर रहे हैं. धर्मवीर भारती जी, थोड़ा सा मुस्कुराइए, चेहरे पे मुस्कुराना, मुस्कान हमेशा रखना चाहिए आपको, क्योंकि मुस्कुराने से लोगों को अच्छा लगता है. जो मुस्कुराते हैं उनको भी अच्छा लगता है, और उन्हें जो देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है. इसका डबल मुनाफा है, बेनिफिट. तो सभी लोग प्लीज मुस्कुराइए. जो भी लोग डिजिटली अपग्रेडेड है आप लोगों को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, और जो लोग अभी भी मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, नो इश्यूज. जल्दी से इस जंग में जल्दी से आप लड़कर जीत हासिल करिए. जंग का मतलब क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ वॉर. आपको लैपटॉप खरीदने की आप प्रयास कर रहे हैं, बाकी चीजें आपको खींच रहा है, नीचे आपकी टांग खींच रहा है, तो आप फिर भी लड़ रहे हैं. जल्दी से इस छोटा सा एक मुकाबला जो हो रहा है, संघर्ष, इसमें आप सफल हो जाइए. आप जिंदगी में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में सफल होने का मतलब उन हर समस्याओं से लड़ना और जीत हासिल करने का मतलब होता है. तो लेट्स गेट इन. सो बी ए टेक सेवी, इसके ऊपर भी काफी चर्चा हमने किया है. एंड नाउ गोइंग इनटू द स्टेप नंबर 5, दैट इज बी अ डिजी रॉक स्टार, जिसके बारे में लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड. यस, डिजी रॉक स्टार हमें क्यों बनना चाहिए, इस पर काफी चर्चा किया हमने. एंड दिस वीक लेट अस गेट इनटू द स्टेप नंबर 6. 18 गोल्डन स्टेप्स की स्टेप नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, ये रहा. बी रेगुलर इन डिजिटल वीओपी विथ योर गेस्ट्स. चलिए इसका मीनिंग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं. अब इंडस वीवा के अंदर देर इज अ कल्चरल शिफ्ट. कल्चरल शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं. सिर्फ इंडस वीवा के अंदर ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ये हो रहा है. देखिए, वीओपी जो हम पहले कंडक्ट करते थे, फिजिकल मीटिंग्स, जिसके अंदर हम गेस्ट्स को इनवाइट करते थे, उनके सामने इंडस वीवा का प्लान हम लोग पेश करते थे, और उनकी एनरोलमेंट या साइनअप हम करते थे 100 पीवी से या 200 पीवी से, ताकि उनके पास बेसिक स्टॉक आ जाए और उस स्टॉक को वो रिटेल करने लगे. दिस वॉज द कल्चर इन इंडस वीवा. तो इससे क्या होता था, मार्केट में हमें एक चीज समझ में आया कि लोग 200 पीवी का साइनअप तो करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति से
संबंध या उस व्यक्ति के साथ उनका जो कनेक्शन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत है मेंबर बनाने वाली आदत। हम यहां पर लायंस क्लब, रोटरी क्लब की तरह या किसी भी क्लब की मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं लोगों को, हम यहां पर लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले कंपनी ने और लीडरशिप ने ये पाया कि लोगों को मेंबर बनाते हैं, उनको एनरोल करा देते हैं 200 पीवी से। और आज मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूंगा, कंपनी के अंदर ये सिस्टम अब ना रहा, लेकिन हमारे कुछ सुपर डुपर, हमारे फ्यूचर फ्लॉपर्स आज भी पुराने सिस्टम को आज भी नए सिस्टम के अंदर चला रहे हैं। बड़े चालाक हैं ये लोग दोस्तों, चालाकी तो होना चाहिए, लेकिन वहां पर जहां पर उसकी जरूरत है, आप खुद के साथ धोखा, खुद को धोखा कैसे दे सकते हैं आप? देखिए, कंपनी को पता है, कंपनी 500 करोड़ और 1000 करोड़ लोगों के बीच में कंपनी ने इस 8-9 साल के अंदर, अब 10वीं साल चल रहा है, तो कंपनी ने बाट डाला। और कंपनी ने इतना सब कुछ करने के बाद यदि कंपनी ने डिसीशन लिया कि सिस्टम के अंदर कुछ सुधार लाया जाए, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगा है दोस्तों, होगा दोस्तों। और वो वजह ये है, वैल्यू एक्सट्रैक्शन के पीछे दौड़ते हैं। किसी से मिलो, 200 पीवी 8 प्रोडक्ट, नेक्स्ट आदमी 200 पीवी 8 प्रोडक्ट, इस प्रकार। जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था, मुसाफिर बनकर घूम रहे हैं। तो इस कल्चर को, इस आदत को, इस गलत प्रैक्टिस को हटाने के लिए कंपनी के अंदर एक कल्चरल परिवर्तन का समय है। ये कल्चरल परिवर्तन हो रहा है कंपनी के अंदर। हम नहीं चाहते हैं कि हम हमारे वीडियोस फील्ड में जाएं, किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाएं, उनको 200 पीवी दे दें और उनको वहीं पर छोड़ के आगे के व्यक्ति के ओर उनकी ध्यान चले जाए। ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं और ये कंपनी भी नहीं चाहती है। इसीलिए कंपनी ने कहा, अब वो सिस्टम हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर हम लोगों को उनके पॉकेट से पैसा लगाकर 8 प्रोडक्ट उनके घर पे रखवा देते हैं। वो सिस्टम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हम वैल्यू क्रिएटर्स कम और वैल्यू एक्सट्रैक्टर्स ज्यादा बन रहे थे। और जो हमारे प्यारे दोस्त लोग हैं जो आज भी पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ मिलाकर, मिलावट करके जो चला रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम पुराने सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, वैल्यू एक्सट्रैक्टर नहीं बनना है, बल्कि वैल्यू क्रिएटर बनना है। राइट, वो जो गाना है, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई रे। राइट राइट, आपके आने से लोगों की जिंदगी में बात बन जाना चाहिए। और वो पुराना गाना जो आपको याद होगा, राइट, आप जैसे कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। राइट, तो आप लोगों की जिंदगी में आते हैं तो बात बनना चाहिए। बात कब बन सकता है दोस्तों? अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, समय वक्त बिताना चाहिए उनके साथ, उनको कुछ चीजें सिखाना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जो वैल्यू एक्सट्रैक्शन का जो सिस्टम था, कुछ तो बताकर लोगों को घुमा फिरा के, कुछ कंफ्यूज करके, कुछ गलत कमिटमेंट्स देकर, राइट, क्या क्या कहकर हम लोगों से एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो आसान है। लेकिन दोस्तों, वैल्यू एक्सट्रैक्टर खत्म हो जाते हैं और उनके साथ जो लोग रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। सो वी आर नॉट लुकिंग एट वैल्यू एक्सट्रैक्टर्स, वैल्यू क्रिएटर्स। तो नया सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अंदर हमें किसी को अप्रोच करना पड़ेगा और प्लान दिखाना पड़ेगा। हरिप्रसाद जी, आज का जो प्लान है, जो प्लान अभी चल रहा है इंडस वीवा का, जो एनहांस्ड वर्शन, उसके अंदर किसी को वीवा में आने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, यानी जीरो? यस सर, यस सर। अच्छा, इससे पहले अगर 200 पीवी से करना होता तो लोगों को कितना पैसा देना पड़ता? 24,800, अराउंड 25,000। राइट, तो देखिए दोस्तों, हम वैल्यू एक्सट्रैक्शन को छोड़कर वैल्यू क्रिएशन की ओर जा रहे हैं। तो
अब हमें किसी को एनरोल करने के लिए उतना ईंधन की खर्चा नहीं करना पड़ेगा जितना हम पहले करते थे, क्योंकि अब एनरोलमेंट तो मुफ्त है। जब कोई चीज फ्री है और उसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बेवकूफी साबित हो सकता है। तो इसीलिए अब आपका फोकस किसी को एनरोलमेंट करने पे होना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा आपको ईंधन या एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपका पूरा प्रयास एफर्ट्स किस पर होना चाहिए, उनको एनरोल करने के बाद का जो काम है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा एज ए वीडीओ। लेकिन कंपनी ने भी ये डिसाइड किया कि कंपनी जो पहले प्रोग्राम्स करते थे वीओपी, उसके लिए पैसा भी हम लोग खर्च करते थे, कंपनी भी हमें पैसा देते थे, राइट। कंपनी ने कहा वो अब हम हटाने वाले हैं, क्योंकि वीओपी पे इतना ज्यादा एफर्ट अभी नहीं है। एनरोलमेंट के बाद लोगों के साथ बैठना है, उनको पर्सनली ट्रेनिंग देना है, पर्सनली प्रिपेयर करना है, और फिजिकल मीटिंग्स भी हमें करना चाहिए, जिसका नाम है वीआरओ, वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन। वीओपी ओल्ड स्टाइल, वीआरओ मॉडर्न न्यू अपग्रेडेड स्टाइल एनहांस्ड वर्जन। तो वीओपी पे आप ज्यादा खर्च मत करिए, इसीलिए वीओपी को आजकल डिजिटल बनाया गया और डिजिटल ही काफी है बताया जा रहा है। तो आपको अपने गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए या तो आप अपलाइन को फिजिकली लेकर जा सकते हैं, आप खुद किसी के आपके एसोसिएट के साथ जाकर किसी से आप किसी को प्लान दिखा सकते हैं। अगर कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की तरफ से दो प्रोग्राम, दो दिन वीओपी कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज एवरी ट्यूजडे, मंगलवार और गुरुवार को, थर्सडे, इन 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 6 अलग अलग भाषाओं में, लैंग्वेज में ये कंडक्ट किया जा रहा है, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम एंड तेलुगु। ये मेजर लैंग्वेजेस है जिसको हम कवर कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं अभी गुजराती नहीं है तो यही मैं बोली सर गुजराती भी मेजर लैंग्वेज है। यस, हर कोई लैंग्वेज को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज मेरा प्यारा मेरा भारत महान, राइट। आई लव माय कंट्री, आई लव माय कंट्रीज डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट कल्चर, डाइवर्सिटीज, आई रेस्पेक्ट इट। लेकिन अब फिलहाल कंपनी इज डूइंग ओनली 6 लैंग्वेजेस, आसामी भी होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए, गुजराती होना चाहिए, मराठी होना चाहिए, वो लीडर्स के लेवल पे होता है, राइट। लीडर्स वो कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से जो सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिस्टमैटिकली बिजनेस को बिल्ड करना, सिस्टम को बिल्ड करना, तो कंपनी की तरफ से 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में मंगलवार को और गुरुवार को वीओपी डिजिटली कंडक्ट किया जा रहा है, और वो भी डायरेक्टली वीएसी मेंबर्स डायमंड्स की तरफ से कीनोट एंड शानदार प्रेजेंटर्स एंड होस्टिंग के अरेंजमेंट भी, इंतजाम भी किया गया है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, वीओपी को अभी डिजिटली जो हो रहा है उसका इस्तेमाल करना होगा फिजिकली। इसको कहते हैं डिजिटल और फिजिकल का सम्मिलन, यानी मिलना। डिजिटली प्रोग्राम होगा उसको आप फिजिकली यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल अप्रोच। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले मैं सूरज कांत जी को लेके जाता था, सूरज कांत जी आप चंडीगढ़ ना, वहां पर सेक्टर 17 पे आ जाइए, कॉफी शॉप में बैठेंगे, मेरे दोस्त हरिप्रसाद जी आ रहे हैं, उनको आप प्लान दिखाइए। अच्छा, सूरज जी आते थे, हरिप्रसाद जी आते थे, उनकी मतलब डिस्कशन, ये आज भी हो सकता है, दिस इज एवरग्रीन, 1-to-1 हमेशा के लिए एवरग्रीन माना जाता है, लेकिन जमाना बदल रहा है, लोगों के पास टाइम कम है, लोग जल्दी में है, लोगों के पास आज डिजिटल माध्यम है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, हम लोग भी डिजिटली एडवांस हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं सूरजकांत जी को और हरिप्रसाद जी को सेक्टर 17 चंडीगढ़ में मिलाता था, वहां पर कॉफी शॉप में, लेकिन आज मुझे क्या करना पड़ेगा, सीधा हरिप्रसाद जी के घर पे जाना पड़ेगा, उनके वुड्स विले अपार्टमेंट में जाऊंगा, उनके साथ बैठूंगा और कहूंगा हरिप्रसाद जी जैसे मैंने कहा आज ठीक 6 बजे हमारे सूरजकांत जी का कीनोट है डिजिटली
और प्रेजेंटेशन पता है ना हमारे जो विशाल मोहन जी का प्रेजेंटेशन हो रहा है, और फाइनल स्पीच के लिए जितेश पंत जी, प्रमोद प्रीति जी या सूरज कांत जी, कोई भी वाइट डायमंड, शायद फ्रांसिस हुसैन या रुद्रेश जी आने वाले हैं, और उनको जैसे मैं हरिप्रसाद जी के घर पे चला गया, लैपटॉप ऑन कर लिया, अगर आपका लैपटॉप और भी मॉडर्न है तो आप लैपटॉप में जो चलता है उसी चीज को स्मार्ट टीवी पर भी दिखा सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब आपके टीम के अंदर, आपके गेस्ट के घर में जो 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का जो एलईडी पर्दा है वो आपके लिए बन गया एक डिजिटल टूल। यू कैन यूज देयर एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी टू शो द प्लान इन दैट, और स्पीकर्स भी बढ़िया होगा लोगों के घर पे, तो यू कैन एक्चुअली यूज द डिजिटल वीओपी। और उनको बता दीजिए आप मोबाइल फोन साइलेंट पर रखिए, अभी प्लान शुरू होने जा रहा है, आप भी उनके साथ बैठिए, कैमरा ऑन करके रखिए, राइट। तो ये एक क्रांतिकारी चीज हो सकता है दोस्तों आपके टीम्स के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। आप एक बार सोचकर देखिए, मैं सेक्टर 17 में जाता हूं चंडीगढ़ में, सूरज कांत जी को फिजिकली लेकर जाता हूं उनके गाड़ी में या मेरी गाड़ी में, और हरिप्रसाद जी को वहां पर बुला लेता हूं, एक वक्त एक आदमी को मैं 1-on-1 दे सकता हूं, 2 लोगों को दे सकता हूं, मैक्सिमम 3-4 लोगों तक हो सकता है, लेकिन डिजिटल का माध्यम से जो हो सकता है ये आप देखिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के अंदर कोई सीमा नहीं है। सेक्टर 17 में एक आदमी को मैं प्लान दिखा सकता हूं एक बार, लेकिन कंपनी की डिजिटल वीओपी को इस्तेमाल करके 100 लोगों को 100 जगह पे हमारे टीम से प्लान दिखाया जा सकता है। यानी दोस्तों दिस इज द डिजिटल लिवरेज जिसका पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। अभी भी अगर हम टेक सावी बनने के लिए रेडी नहीं है, डिजिटली अपग्रेड होने के लिए रेडी नहीं है, वो कहा जा रहा है कि 2023 इसी साल के दिसंबर तक इंडिया के जो 90+ एरियाज जो है उसको 100% डिजिटल 5G अपग्रेड किया जाएगा। दिस इज द प्रॉमिस बाय आवर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो द कंट्री इज अपग्रेडिंग टू 5G। वेयर आर यू? आर यू स्टिल इन 2G या 3G? No, this is not even 4G, this is 5G. So country is upgrading digitally. तो digital growth का फायदा हमें उठाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, एक revolutionary बदलाव आपके organization के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर यदि आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझा और इसका इस्तेमाल भी किया। तो Tuesdays, मंगलवार को, गुरुवार को ये होता है, अभी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। Go to a prospect's house with a laptop to attend Tuesdays and Thursdays VOP. और उस VOP के अंत तक अपना कैमरा ऑन रखना, डिजिटल reactions देना, ये सब अगर आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उनको प्लान दिखा सकते हैं। और प्लान के अंत में अगर आपके प्लान हो गया डिजिटली, आप फॉलो अप यानी मीटिंग आफ्टर मीटिंग जो होता है उसको आप अगर फिजिकली, आपके कोई रूबी है लोकली, कोई आपके अपलाइन पर्ल है या स्टार 1000 है या स्टार 500 भी है, तो उनको आप उस गेस्ट के साथ उसी डिजिटल वीओपी के अंत में मिला सकते हैं, और सेल खत्म, सेल्स क्लोजिंग डन, योर वर्क इज कंप्लीटेड। सो दिस इज द मॉडर्न डिजिटल वे ऑफ बिल्डिंग योर बिजनेस। तो दोस्तों याद रखिए, हमेशा जैसे मैं इस मीटिंग के शुरुआत में कहा था, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो अपनी टीम के लिए, बिजनेस के लिए भी स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो 1-to-1 देने में कुछ लोग बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन कब तक 1-to-1 देते रहेंगे आप? आपको लिवरेज करना पड़ेगा। 1-to-1 प्रेजेंटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन जो है उसको भी लिवरेज करना पड़ेगा। और डिजिटल का कमाल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सूरज कांत जी के प्रोग्राम अगर चंडीगढ़ में हो रहा है, 50 लोगों के, 100 लोगों के मेगा इवेंट या 200 लोगों की मेगा इवेंट होता है, तो अगर मैं उस इवेंट में चला गया, मेरे दोस्त यहां पर हैं, मान लेते हैं लाल सिंह जी हिमाचल वाले, हिमाचल से लाल सिंह जी चंडीगढ़ पहुंच गए और सूरज कांत जी का प्रोग्राम हो रहा है, और वहां पर फिजिकल इवेंट में मुझे फ्रंट रो में बैठने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि
फ्रंट में तो सभी लोग डायमंड्स या अचीवर्स बैठते हैं, हमें पीछे सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, वहां पर बैठना पड़ता है। लेकिन डिजिटल का कमाल ये है, देखिए आज इधर जितने भी लोग मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, आप लोगों को मिला है फ्रंट रो, सबको मिलता है फ्रंट रो, राइट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटलाइजेशन, एवरीबडी गेट्स अ फ्रंट रो एंड लोगों को वन टू वन का फीलिंग आएगा जब हम किसी को इस प्रकार वीओपी दिखाते हैं, राइट? सो इस 18 गोल्डन स्टेप का जो सिक्स्थ स्टेप है, इसको अपनाने से यू कैन मल्टीप्लाई। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सिंप्लीफाई, सेकंड यू हैव टू मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स टीचर ने 20-25 साल 30 साल पहले स्कूल में मुझे सिखाया, बेटा पहले सिंप्लीफाई करो फिर मल्टीप्लाई करो। हमने उस चीज को आज समझा कि बिजनेस के अंदर चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब जाकर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमारे धर्मवीर भारती हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स टीचर, उनके चेहरे पे मुस्कान अभी देख पा रहा हूँ क्योंकि उनको मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूला बोलने से बहुत ही हंसी आ गया यहाँ पर। अच्छा, राइट? तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट? सो दोस्तों फाइनली आज का जो पॉइंट है, 18 गोल्डन स्टेप्स, एक एक आपकी टीम में इंप्लीमेंट होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप से लेकर आज का जो सिक्स्थ स्टेप है, क्योंकि 18 स्टेप जो है इसको यूनी मतलब स्लाइड को क्लिक करके 15-18 स्लाइड जो है उसको 18 मिनट में खत्म कर सकता हूं मैं। लेकिन मेरी उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे इस सिलेबस को खत्म करने का, या तो आपका भी ये उद्देश्य नहीं है सिर्फ 18 पॉइंट्स को जानना, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इन चीजों को जानना, इसको समझना, इसको अपनाना और इसको लोगों को सिखाना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का एक थंब रूल होता है, लर्न डू टीच। जब ये तीनों काम होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम डुप्लीकेशन। और यदि आप एक शानदार सिस्टम बिल्ड करना चाहेंगे तो एक चीज हमेशा चेक करते रहिए, क्या मेरी बिजनेस मुझ पे खड़ा है या सिस्टम पे खड़ा है। अगर बिजनेस आप पर खड़ा है तो इट्स नॉट डुप्लीकेटिंग, यदि सिस्टम पर चल रहा है देन इट इज डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेशन हो रहा है तब जाकर सिस्टम पे खड़ा है। तो हमेशा के लिए बिजनेस को इन दोनों खंडों पर मत उठाइए। हाँ, उठाना है अपने हाथों से, लेकिन रखिएगा मत अपने कंधों पर, उसको रखिएगा सिस्टम पर। किसी को बिजनेस में लाया उसको इमीडिएटली, जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल देसी, देखिए यू कैन सी दिस इज चार्जिंग वायर, दिस इज कॉल्ड प्लगइन। अब प्लगइन हो गया तो जैसे जैसे लोग टीम में आते हैं उनको सिस्टम के अंदर प्लग इन करना भूलिएगा मत। उनको सारा चीज जो भी बिजनेस से संबंधित टेस्टिमोनीज प्लग इन, वीकली ट्यूजडे एंड थर्सडे वीओपी प्लग इन, अपलाइन का वीकली ट्रेनिंग चलता है प्लग इन। सो लोगों को सिस्टम के साथ प्लग इन करना, लेकिन करना होगा आपको एज ए स्पॉन्सर, एज ए यू नो इंट्रोड्यूसर। सो जैसे जैसे लोग बिजनेस में आते हैं उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करना चाहिए। जैसे आज सिक्स्थ स्टेप को हमने डिस्कस किया, मेरा यही सवाल रहेगा आगे जाने से पहले, नेक्स्ट वीक हम लोग सेवेंथ स्टेप, उससे पहले मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, विच कैटेगरी डू यू बिलोंग टू? डू यू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द लिसनर्स और यू आर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ डूअर्स? क्योंकि दोस्तों जो लिसनर्स होते हैं उनका क्या हाल है मुझे पता नहीं, लेकिन जो लिसनर्स एंड अप्लायर्स यानी डूअर्स जो करने वाले होते हैं उनको इसका पूरा फायदा मिलता है। और लेट मी टेल यू, यदि आप बिजनेस को सिस्टम के बिना बिल्ड करने के प्रयास करना चाहेंगे, 10 जन्म के बाद भी आप प्रयास करते रहेंगे लेकिन कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे। सो रिमेंबर दिस, मोदी जी द रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एन इंडिविजुअल, एक इंसान,
इतना बड़ा देश 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को एज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज रूलिंग दिस कंट्री. इट्स नॉट द पावर ऑफ इंडिविजुअल, इट इज द पावर ऑफ द सिस्टम. The Prime Minister is there, the President is there, the, you know, Rajya Sabha, Lok Sabha, Rajya Sabha, Chief Ministers, MLAs. ये political system है, government का governance का एक system है. तब जाकर एक इंसान नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, he is ruling this country as a Prime Minister. तो as an individual हमारे अंदर जितना भी strength है वो business के लिए strength बनना चाहिए और वो हो सकता है if you are plugging into the system. So, आज का सवाल, are you plugged into the system? Right? So, simplify it, then you can multiply it. Learn, do, teach. Last 6 weeks, whatever I have been telling, जो भी मैंने बताया आपको, right? Starting from the step number one, step number two, and up to step number six today, मेरा सवाल यही है, are you actually doing it? If you're doing it, because last week Hariprasad ji, very interesting message I got. Last week एक बंदे ने मुझे message किया, उसका वो photo मैंने save किया हुआ है. उसने क्या किया? एक IPulse bottle और उसके साथ चार पांच glass में उसने IPulse डाल दिया और photo लेकर चार पांच लोगों के साथ उसने photo मुझे send किया. उसका number तक मेरे पास नहीं है उस video का, लेकिन उसने photo send किया और कहा कि सर जैसे आपने कहा मैंने एक बॉटल IPulse खोल के 10-10 ml की टेस्टिंग शुरू कर ली और मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया. वाओ, दैट इज अ यू नो क्वालिटी ऑफ अ चैंपियन. वो फोटो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों को एनकरेज करूंगा, यदि आप लोग भी अगर आप 18 गोल्डन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे ना, क्योंकि दोस्तों इंप्लीमेंटेशन का ताकत मैं जानता हूं, जो बंदा इंप्लीमेंट कर डालता है ना उसको लोग डिसिप्लिन्ड मानते हैं, उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं. और लीडर जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिसको लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसको लीडर कैसे कह सकते हैं? तो इफ यू वांट टू बी अ रियल लीडर, यदि आप सच में लीडर बनना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, तो 18 गोल्डन स्टेप्स को एक एक बार जब आप सीखते हैं और उसको करते हैं, एक फोटो निकालिए. जैसे अभी बंदे ने मुझे फोटो डाला एक IPulse बॉटल खोल के 10-10 ml लोगों को पिलाते हुए, वैसे आपको क्या करना होगा, जैसे मॉर्निंग आप IPulse पीते हैं, राइट? दिस इज स्टेप नंबर, कौन सा स्टेप है ये? बी अ रेगुलर यूजर ऑफ और प्रोडक्ट्स. स्टेप नंबर, सूरज खान जी हमारे बीच में, सूरज खान जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सूरज जी. फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन सर, ऑलवेज यूज द प्रोडक्ट, बी अ रेगुलर यूजर ऑफ द प्रोडक्ट. थैंक यू सूरज खान जी, हमारे रेस्पेक्टेड वीएसी मेंबर अटेंड कर रहे हैं. देखिए और भी सीट्स खाली है इस वेबिथॉन के अंदर और वीएसी मेंबर यहां पर मौजूद हैं और हमारे स्टार 250 स्टार 500 थोड़ा बिजी हैं. इसको कहते हैं फर्क, चैंपियन और लूजर्स के बीच का फर्क. सूरजकांत जी आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट, एवरी वीक यू आर अटेंडिंग. नॉट ओनली सूरजकांत जी, आई वुड सी यूजुअली जितेश जी, प्रमोद जी, केवल जी, ऑल द डायमंड्स, मानस, प्रतिम बरुआ, सैयद फ्रांसिस हुसैन, हरिप्रसाद जी, ऑल द लीडर्स, अजीम मैम, राइट? तो सभी को मैं देखता हूं. थैंक यू सो मच सूरजकांत जी. सो बी अ रेगुलर यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेप नंबर वन. तो रोज आपको अपनी टीम के साथ पिक्चर्स में कम्युनिकेट करना होगा, पिक्चर्स में कम्युनिकेट करना होगा. तो आप IPulse पी रहे हैं, ग्रुप में डाल दो व्हाट्सएप में 18 गोल्डन स्टेप नंबर वन, या सिर्फ स्टेप नंबर वन, या हैशटैग रखते हैं हम लोग, हैशटैग वन. और किसी को आप IPulse पिला रहे हैं, हैशटैग फाइव, राइट? या आप टेस्टिंग पार्टी कंडक्ट कर रहे हैं किसी के, हैशटैग थ्री, व्हाटएवर. तो इस प्रकार अपनी टीम के साथ करते हुए, क्योंकि कर्म योगी बनना चाहिए, जब आप करोगे ऑटोमेटिकली आपको लोग रेस्पेक्ट देंगे, आप अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को आप एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन में रखेंगे अपनी टीम के सामने. और कितने लोग तैयार हैं इन चीजों को ना सिर्फ सुनना लेकिन इसको अपनाना और अपने लोगों को, लोगों तक पहुंचाना. वाओ, व्हाट अ लवली कमिटमेंट. थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड इट्स 7:40.